अपने ऊपर एहन जानबूझ के मुकदमा लगे हैं। एमए जितना है सब सीओ साहब आइए अंदर अंदर आइए। पुलिस पर पथराव और पुलिस भी लोगों को काबू करने के लिए लाठियां भाज रही है। ये मामला कहीं और का नहीं है, ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है। दरअसल बरसठी थाना अंतर्गत जमुनीपुर मगरमू गांव के युवक का शव मंगलवार को भदोही में मिला था। उसके बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। तनाव देखते हुए पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। उसके बाद लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने भी लाठियां भाजी और लोगों को खदेड़कर घटना स्थल से दूर किया। फिर उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि बरसठी थाना अंतर्गत जमुनीपुर मगरमू गांव के विवेक यादव का रविवार को कुछ लोगों से विवाद हो गया था। उसके बाद उसी रात उसका अपहरण हो गया। फिर दो दिन बाद उसकी हत्या कर उसके शव को भदोही जनपद के सूर्यावा थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। बीते बुधवार को परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव घर लेकर आए। उसके बाद अंतिम संस्कार के बहाने निगोह तिराहे पर लेकर पहुंच गए। उसके बाद यहां कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम करने लगे। खबर थाने पहुंची तो पुलिस टीम वहां आ गई। मामला संभलता ना देख कई और थानों की फोर्स को भी वहां बुला लिया गया। पुलिस ने शव उठाने के लिए सख्ती की तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। तनाव को देखते हुए एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। इसी तरह भीड़ को काबू कर शव को अंतिम संस्कार के लिए। सर क्या मामला था? ये एक विवेक यादव नाम के व्यक्ति थाना क्षेत्र बरसठी में कुछ दिन पूर्व घटना हुई थी। दोनों यादव पक्ष के लोग थे जिनकी आपस में मारपीट हुई थी। उसी में विवेक यादव की जो डेड बॉडी है ये दूसरे जनपद में पाई गई थी। इसके बाद विधिक कार्यवाही की गई। उसी में परिजनों के साथ में गांव के और कुछ लोकल निगोह के लोगों के साथ मिलकर के यहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके यहां जाम लगाया गया। इसके बाद उनके द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उपद्रव किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति फिलहाल सामान्य है। बॉडी जो है वो दाह संस्कार के लिए शमशान घाट जा चुकी है। फिलहाल सतर्कता के तहत पुलिस को डिप्लाई किया गया है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसमें करीबन 5 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस भेजा गया। बता दें कि पुलिस बल ने किसी तरह भीड़ को काबू कर शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। पंजाब के स्ट्रीट टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।